तो मैं अर्ज करूँगा हुजूर खाले सुनर से तशरीफ लाएँ और सारे को अपने रिसाला ध्यान से मुस्तफी फरमाएं। नारे तकबीर दौरे
بہت بڑا معجزہ
अपने सिक्के के अंदर बिल्डर के अंदर देखिए इतना होता है सिर्फ एक एक हफ्ते के अंदर रिटर्न फॉर्म अगर देनी सारे सब सलाम के मांगने वाले जो अपने नोट पर डॉलर पर लिखते हैं इंटरेस्ट के गॉड डॉलर पर लिखते हैं इंटरेस्ट के गॉड खुदा के मानने वाले अगर देनीसा को खुदा का बेटा मानने वाले अगर देनीसा की पैदाइश का दिन मनाने वाले सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 500-600 मिलियन डॉलर की शादी लिया गई और नाई का हिसाब और है डांस देखने का हिसाब और है वो औला का दिन है वो दूसरा दिन और हराम कारियों का और उस दिन प्रोस्टिट्यूट के यहाँ जाने के इखराजात का रंगियों का और तवाइफों का और इनका खर्चा वो अलग है और डांस देखने का खर्चा अलग है और आने का खर्चा अलग है सारे अलग तो ये शराब का दिन है अमेरिका का अखबार सर्वे वर्ग करने के बाद शायद और जाहिर है पाउंड की शक्ल में बरतानिया का बिल बिक्री इंडियन पाउंड से कम है फ्रांस का तकरीबन 1 बिलियन फ्रैंक अपने बारे में 1 फ्रैंक जो है वो 1 डॉलर के 11 फ्रैंक के बराबर 1 डॉलर होगा इसलिए थोड़ी ज्यादा ही होगा तो 1 बिलियन से ऊपर हो चले और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और जहां जहां ऐसा की पैदाइश का दिन मनाया जाता है वो पैदाइश का दिन शराब से शुरू होता है और जिना का खत्म होता है अल्लाह तौबा अगर ये ईसा की पैदाइश का दिन शराब से शुरू किया जुए से शुरू किया हरामदारी से शुरू किया बदकिरदारी से शुरू किया और बदकिरदारी पर खत्म हजरत ईसा की उम्मत अमेरिका में रहती है इंसान में रहती है ऑस्ट्रेलिया में रहती है न्यूजीलैंड में रहती है दुनिया के बीस्टर मुकाम पर रहती है और जहां जहां रहती है हजरत ईसा की पैदाइश का दिन मनाती है और शराब पीती है और सिना करती है और आराम करती है और खिंजीर का गोश्त खाती है साबित है कि हजरत ईसा का सलाम खिंजीर का गोश्त नहीं खाया जिस तरह भी मानते हैं उनके मानने की शक्ल हमारे साथ अब उस मानने की शक्ल से तो आप पहचानिए उस मानने की जो सूरत होगी उससे आप पहचानिए किसी ने पूछा कि ईसाई जो है ईसा की पैदाइश का दिन कैसे मनाते हैं मालूम हाँ 25 दिसंबर को शराब पीते हुए देखा उनको 25 दिसंबर को पार्टी करते हुए देखा 25 दिसंबर को कोई बड़े मियाँ हैं उनकी कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी तस्वीरें जरूर बनाते हैं फादर कह देते हैं उसको पता नहीं कौन बता बाबा वो बच्चियां उसको देखती हैं वो डर के अब्बा बनकर खा जाती है कोई डरता है कुछ करता है बना उसमें टंके खूब खाते हैं गोश्त खूब खाते हैं खंजीर खूब खाते हैं शराब खूब पीते ये है अगर तेरी सभी पैदाइश के दुनिया में दूसरा और भी मजहब है तो जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस है बड़े पैसे वाले लोग हैं और बड़े अपने आप को मुहसर भी करते हैं बड़े नस्तालीक हैं दुनिया की सारी कौमों की कुंजी उनके हाथ में पैसा उनके हाथ में उनको कहते हैं यहूदी इस्लाम के ये 3 साल हुए यहूदी हुए हुरूब हुए यहूद हुए इस हाल में इस्लाम के दुश्मन और अफसोस ये है मुसलमानों ने अपने दुश्मन को पहचाना शराबी होगी खिंजीर वो नहीं खाते
लेकिन और बुराई होती मोदी बड़ा इतला की उस दिन खासतौर से अगर मुझे कर्ज मांग रहे उस दिन तो उसका बड़ा लंबा थोड़ा सीध सूद है तो वही सूद हो यहूदी दुनिया जिनके पास जो पैसा है वो सूद का सूद हो पर उसके बाद दुनिया की बहुत सी कौमों को खराब भी किया है यहूदियों ने ईसाइयों ने अपने पैगंबरों का दिन किस तरह से मनाया वो आप हिसाब और मुख्तलिफ मकामात पर जो बैत मुक़द्दस के अर्द गिर्द हैं उनमें जाकर आप देखिए क्या क्या करते जिना उनके यहाँ कोई बुराई नहीं बहन और भाई का जिना भी उनके यहाँ कोई बुराई नहीं है वो खास ऐसी असफुरमा में कहते हुए बहुत सी बातों पर शर्म महसूस होती है एक मुसलमान की ऐसी से है लेकिन आपको बताने के लिए बताना पड़ता है कि वो कितना नंगे नंगे कितने नंगे हैं और कितने नंगे हैं इस मामले में और कितने बाहर से आव और शर्म है उनका वजूद इस जमीन पर यहूदियों का और ईसाइयों का वजूद और इसी तरह से लेनिन मार्क्स लेनिन ये यहूदी थे इनका फलसफा है एक फलसफा है कम्युनिज्म इसी पर बुनियाद रखी सेकुलरिज्म इसी पर बुनियाद रखी गई सोशलिज्म इसी पर इसकी बुनियाद रखी गई इज्म की बुनियाद इसी पर रखी गई ये बुनगिरीन है खुदा का विरोध है लेनिन को वो सब कुछ मानते लेनिन से पहले लेनिन तो इसलिए कि लेनिन एक रियासत कायम कर रही अक्टूबर के इंकलाब का हीरो सुना लेकिन उससे पहले कार्ल मार्क्स की कहानी है कार्ल मार्क्स यहूदी था और इस यहूदी ने सोशलिज्म कम्युनिज्म की बुनियाद रखी ये उसका दिन मनाते हैं लेनिन को मनाते हैं कार्ल मार्क्स को मनाते हैं एंजेलिस को मनाते हैं उसके दिन मनाते हैं बेपनाह शराबे जिना को पाए बदकारियों बुद्ध हाथ के मानने वाले दुनिया में फैले इस्लाम के बाद पहले ईसाई थे उसके बाद इस्लाम है उसके बाद बुद्धिज्म बुद्धिज्म के मानने वाले और बात करना तो ये है कि बुद्धिस्ट इनके मानने वाले ईसाइयों के बाद है बारह जो भी हो अगर शुमार है स्टैटिस्टिक्स हैं जो लोग करते हैं वो जानते हैं बुद्ध मजहब के मानने वाले भी चीन में सियांग में बर्मा में और सियोंग में साउथ ईस्ट एशिया के पूरे रीजन में बुद्ध मजहब के मानने वाले जर्मा में फैल गए कोरिया साउथ कोरिया वगैरह मंगोलिया मंचूरिया वगैरह ये तमाम के तमाम गौतम बुद्ध का दिन मनाते हैं गौतम बुद्ध की तालीमत को बड़े पाकीज़ा बयान किया जाता है लेकिन जब उसका दिन मनाया जाता है तो वो खुराफात वो नजरिया इसको देख कर एक मुसलमान को शर्म महसूस होती है वो सब कसम होता है कहने का मतलब ये है अब आप रूबे जमीन पर उनमें हॉलैंड भी है उनमें इंग्लैंड भी है उनमें न्यूयॉर्क भी है उनमें लॉस एंजलिस भी है उनमें टोक्यो भी है उनमें सिडनी भी है उनमें जापान भी है उनमें वो तमाम इलाके हैं जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी की हैसियत से अकलियत की हैसियत से रहते हैं और यही मिलाद नबी का दिन मनाते हैं कैसे मनाते मिलाद नबी का चांद नजर आया और ईमान वालों के दिल की दुनिया बदलनी शुरू हो एक तरफ ईसाइयों के मानने वाले शराबे पीते हैं बदकारियां करते हैं और दूसरी तरफ महबूब दो जहां हुजूर ए मक़बूल सैयद अल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू होती है कि दुरूदों की सलावत दरबार में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुरूदों के गजरे सलामों की डालियां दरबार में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह रबी अल अकबर इस सलावत 25 दिसंबर
इतनी शराब पी जाती है कोई उसका हिसाब नहीं। अगर ईशा की पैदाइश पूछी इतना दुरूद पढ़ा जाता है कि इसका हिसाब ना आप रख सकते हैं ना रख सकता हूँ। ये अल्लाह जानता है उसे महबूब है। दुरूदों के गजे और शराब की गर्मी पर बारे ये मौजजा है नबी का दे मौजजा। हुजूर ने दुरूद सैयद العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینے میں والمسلمون يحتفلون بعيد ميلاده صلى الله عليه وسلم بقراءة المولد والصلاة والسلام عليه يسلمون على الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم ويقرؤون الصلاة والسلام عليه. سبحان الله حقا حقا جليل كتب مرة ثانية إياه معجزة هذا معجزة الحبيب عليه الصلاة والسلام पाकिस्तान चलिए तो हमको लिखना है कि पाकिस्तान और मदीने मनवरा चलो 3000 मील का फासला। अब मदीने मनवरा से हम चले मेडिटेरेनियन नहीं पहले रेड सी। अगर मदीने मनवरा से कोई चलता है श्रीनाम या श्रीनाम से कोई आदमी चलता है तो पहले अटलांटिक ओशन क्रॉस करो और उस रास्ते से आ रहा है अटलांटिक ओशन क्रॉस करो केप ऑफ गुड होप क्रॉस करो इंडियन ओशन क्रॉस करो अरेबियन सी क्रॉस करो उसके बाद रेड सी में दाखिल पांच चार साल श्रीनाम से मदीने मुनव्वरा आने के लिए चार समुद्र अटलांटिक ओशन के गुड होप साउथ अफ्रीका से लगा रहा है। अगर जिब्राल्टर की तरफ से आ रहा है तो फिर दूसरा रास्ता बदल जाए। अगर उस रास्ते से आ रहा है तो अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन अरेबियन सी फिर रेड सी तो जद्दे की बंदरगाह फिर मदीना मुनव्वरा 7000 मील मुसलमान रहता है मदीने मनवरा से 11000 मील दूर अल्लाह लॉस एंजेलिस ये तो लॉस एंजेलिस न्यूयॉर्क से आप उसी तरफ चले जाए तो 500 समुद्र आएंगे पैसिफिक वो पैसिफिक ओशन में आएंगे। आप अगर बात समझिए कि लॉस एंजेलिस में एक मुसलमान रहता है तो भी वो एक मुसलमान रहता है। अब छोड़िए पाकिस्तान हिंदुस्तान से करीब है 3000 मील बम्बई 3000 मील कराची 3000 मील मदीने मनवर तक पहुँचते 2500 मील और 3000 मील तक सारा रास्ता तय हो जाता है। इसीलिए कराची को अल्हम्दुलिल्लाह कराची को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। और पुराने जमाने में जो सिंधी भाई होते थे वो आमतौर से बाबुल इस्लाम तो कहते हैं लोग बाबे मक्का है अल्लाह अकबर कोई बाबे मदीना कहता वो करीब है बस सीधे बैठे हुए कर रहे थे बीच में कोई चीज खाई नहीं बस समंदर है पूरा किया फ्रांस से बैठे उसी उतर गए। इस तरह से बंबई के जमाने में बंबई को खरीदने में सूरत की बंदरगाह थी मुगल मुसलमान सलाफीन के जमाने में सूरत जो थी वो मुसलमानों की बंदरगाह थी जहाँ से हाजी जाया करते। तो मैं कह रहा था
कि रूबे जमीन पर मुसलमान मुख्तलिफ मकामात पर रहता है। यार अल्लाह भी दूर रहता है, अल्लाह और समझिए कि दूर रहने वाले का क्या काम हो सकता है। आपसे और मुझसे काम हो सकता है कि कभी देखू कर दिया चाहता है, मालूम कर दिया, खत भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मदीने से उसका क्या काम होता है? मदीने से क्या काम को खास आता नहीं, कोई मुसलमानों के मुल्क भी नहीं कि हर पांच वक्त अजान की आवाज भी आ रही, वो भी नहीं, ये रास्ता नहीं है, वो रास्ता नहीं है, कोई खास रास्ता नहीं है, रहता 11,000 मील दूर है, लेकिन रबी उल अव्वल का महीना आया तो उसका दिल बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतने दूर रहने के बाद अलग हो 11,000 इसका फ्रांसिस إذا دخل شهر ربيع الأول المنظر توجه كل حق مسلم إلى لاي حبيب عبد الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حردين أمتار في حبوب مصطفى كتاب أبو توجه والحر زبان بيضاري مصطفى صلى الله عليه وسلم قلوبك الدربي سلامك الدجي और गुलूर को बिना लिया जो हमारे मुस्तफा में पेश करने के लिए मुतवज्जे को डाल दिए, कितने ही दूर मुसलमान रहता है ये मतलब वो जिक्र है। और मेरे वक्त शरीफ का बाबा नहीं था, मेरे वक्त शरीफ का बाबा नहीं खत्म करने के बाद आखिरी तारीख है कि मैं चला गया ये खान 1980 की बात तालिबन 80 में मैं गया थे श्रीराम में, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना था, उसके बाद वहाँ इंकलाब आया, रेवोल्यूशन आया, उसके बाद जैसे हम लोग टेक ओवर कर दिया, मार्शल कर दिया, मुल्क कठिन कर दिया, तो हमने जल्दी से अपना प्रोग्राम खत्म किया और अपने चले गए गियाना, उसके बाद त्रिनिदाद, उसके बाद अमेरिका और मियां एक जगह पहुँचा। तो रबी अव्वल शरीफ की आखिरी तारीख थी 28-29 तारीख थी, तो मैं मियामी, तो मैं वहाँ 3 लाख में कुछ दिन रहा, उस बात है मियामी में पहुँचा, तो मैं साहब के लिए मैं मुकीम था वहाँ, एक साहब पता चल गया था वो कि आ गए हैं, तो टेलीफोन उठाया और मैं मिलने के लिए आना चाहता हूँ, तो मिलने के लिए तशीब लाए, अब बहुत सुना मियामी वो भी साहब साहब की दूर है, तकरीबन 7,000 और 8,000 वो तशी लाए मिलने के लिए, बातचीत भी करेंगे ना, मैं तो बस एक मकसद से आया, तो बड़ा अच्छा हुआ आप तशी लाए, उन्होंने बस शरीफ का बाबा का महीना है, बस मेरे घर पर आप चाहे 10 मिनट अपना के महबूब का जिक्र फरमा दे, जिक्र रसूल जिक्र रसूल कर दिया, बस शरीफ का महीना खत्म हुआ। मैंने कहा प्रोग्राम को आगे बढ़ता मैं सोचता रहा मेरे लिए इसको रबी उल अव्वल कहते हैं, रबी उल अव्वल शहर होंगे मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुशियों का महीना, ये खुशियों का महीना है और ये वो महीना है कि इस पर हर खुशी को मांग कर, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, ये रमजान से बढ़कर है। अब आप छोटी सी बड़ी मुख्तसर सी बात है आपको समझाने के लिए, ये रमजान से बढ़कर है, सोचोगे रमजान शरीफ से बढ़कर कैसी है, रमजान शरीफ से बढ़कर तो नहीं है, ये शब कदर से बढ़कर है, सोचते हो ये शब कदर से बढ़कर कैसे हो सकता है, ये शाबान से बढ़कर है, ये ये अगर मैंने पूछा तो मैं मालूम है कि एक साहब ने
अपना नाम जाहिर नहीं करवाया कि अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के उन्होंने और जब भी मौका मिले तो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन का समझे पाकिस्तान ने पाकिस्तान में खुला हुआ है वो सदर पाकिस्तान के फंड में मुजाहिदीन के फंड में पाकिस्तान के मैच के बारे में अकाउंट नंबर लेने का बड़ा नाम मिल रहा जो टीम मैच कर रहा के हुजूर ए हुजूर सैयद العالمین मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के बाद सारे कर लिया नबी अपन से आया ऐसा बोल नहीं दिया पड़ा हुआ है उसने शहादत दी उसने हुजूर कुरान दी उसने दी दुनिया की नेमत और बरकत दी रही उसी के साथ साथ हज का मुबारक महीना भी उसी के साथ साथ शाबान का मुबारक महीना है और बेशुमार महीने हैं उनके बेशुमार फजाइल हैं और इन तमाम महीनों के अंदर नमाजें भी हैं रोजे भी हैं हज भी है सकात भी है सारी की सारी नेमतें इनाम इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से किसी से कोई झगड़े की बात नहीं बड़ी मुख्तसर सी बड़ी ठंडी ठंडी बड़ी सोच की बात है लेकिन आप इस पर खुद सोचिए कि भाई अगर हुजूर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाते तो क्या कुरान मिलता नहीं क्या रमजान का महीना मिलता नहीं अगर हुजूर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाते तो क्या ये हज का महीना मिलता नहीं मिलता जाहिर नहीं अगर हुजूर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशरीफ लाते तो ये जो बरकतें जो रहमतें अता हो रही हैं मुख्तलिफ महीनों में रमजान का महीना है शाबान का महीना है शबे बारात है वगैरह साल भर महीने भी नहीं मिलते लेकिन ये तमाम की तमाम बरकतें मिल गई ये तमाम की तमाम रहमतें मिल गई ये तमाम की तमाम बरकतें मिल गई जब मुस्तफा तशरीफ लाए सब कुछ मिल गया नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हुजूर तशरीफ लाए सब कुछ मिल गया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इतनी मुकम्मल है मेरे भाई आज लिखने वाली कौम आज दुनिया में लिखने वाली कलम वाली कौम जो है वो ईसा की और ये यहूदियों के पास है एक छोटी सी बड़ी मुख्तसर सी बात इस पर गौर करना आज कलम ईसाइयों के हाथ में और बैठता मीडिया ईसाइयों के हाथ में यहूदियों के हाथ में दोनों ने बंदर बात कर रखी है इजारादारी है यहूदियों के ईसाइयों की यहूदियों के ईसाइयों की और अब हिंदू की बांटी जा रही है तीसरे की तीसरे यहूदी ये भी आ रहे हैं तीसरे यहूदी हिंदू ये यहूदियों के साथ साथ यहूदी सूदखोर ही सूदखोर हिंदू इसके पास भी बनने के पास भी पैसा है ये सूद का पैसा और इस्लाम दुश्मनी ने कोई मुसलमान कभी मोबाइल पर नहीं लगा ये कभी ये समझे कि ईसाई मेरे दोस्त हैं और यहूदी मेरे दोस्त हैं और हिंदू मेरे दोस्त हैं तौबा 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 कुरान मजीद और कुरान हकीम पर जिसका ईमान है वो जानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुल कर कुरान में फरमा दिया कि ईसाई तुम्हारे दुश्मन यहूदी तुम्हारे दुश्मन हिंदू तुम्हारे दुश्मन हिंदू तुम्हारे दुश्मन
मुसलमानों का दोस्त और मुसलमानों का वाली अलग है, तो अल्लाह और उसके रसूल है और ईमान वाले मुसलमानों के बल्कि दुश्मन मुशरिक ये गाय का पेशाब पीने वाले उनका गोबर चाटने वाले ये मुसलमानों के नंबर दो दुश्मन यहूदी नंबर अव्वल हिंदू नंबर अव्वल ईसाई नंबर दो अल्लाह ने कहा कि ईसाइयों में जरा थोड़ी बहुत नरमी है जैसे वो होता है कि दुश्मन मारे थूकने डाले दोस्त मारे छाने डाले नहीं वो मारता तो है ईसाई की मगर छाने डाल देगा और हिंदू और यहूदी अगर मुसलमान को मारेगा तो मारने के बाद भी धूप में डाल देगा अगर मारने के बाद भी मरने के बाद भी तकलीफ हो राहत नहीं बाहर दुश्मन है मुसलमानों का दोस्त कौन है किताब
كيف ولد كيف تربى وكيف نشا المسيح عليه الصلاه والسلام من ولادته الى احلى طفولته قلت كتاب الله الى ياتي كتاب عند المسيح المقابل عندكم ليش انتباه مكاتب عندهم دوائر عندهم كل شيء عندهم موجود احمد خالد عندهم موجود لا يدريني مكاتب مكتبه عندهم موجود طفولية المسيح ما يعرفوا كيف تربى وكيف نشأ पैदाइश कैसे हो रही पैदाइश कैसे हो रही सुभान अल्लाह हदीस कुरान कुरान जब हुजूर की इबादत नसारत हो रही थी तो हजरत बीबी आके हाकूम के घर से लेकर शाम तक नूर फैला हुआ था ईरान तक नूर फैला हुआ था सुभान अल्लाह ईरान के नूर फैला रहे थे बाकी हुजूर का बचपन जब हुजूर खिलौन जब हुजूर बचपन में थे अम्मा की गोद में थे देखते थे और चांद को देखते थे तो मालूम होता था कि चांद हुजूर का फरमान हुआ मजबूत है आगे पीछे बयान करने वाले ईसाइयों को बोलिए अगर किसी एक ने वाकई बयान किया तो सेंट पॉल ने बयान किया सेंट पॉल था 80 वर्ष के बाद और 80 वर्ष बाद जो आदमी मिले वो उसकी क्या रिवायत से ली और हम जो रिवायत बयान करते हैं तो कहते हैं अनुभव ने सिद्दीक ने फरमाया उन्होंने रसूल अल्लाह से सुना और ये फरमाया उन्होंने फारूक ने सुना और ये फरमाया और बिलाल हबशी ने देखा और ये फरमाया नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह पाकिस्तान को पूछ करेंगे मानते हैं क्या करती है और क्या नहीं कोई नहीं पूछता मुसलमान मुसलमान मुल्क की मुसलमान इसी तरह से बड़ा शुक्र है हालात बदल गए अब अपने थोड़ा बहुत इनको डिप्लोमेसी सुझा दी वरना ये तो मुसलमानों का अपने आम करते घूमते मुसलमानों को कबूल करने के लिए बैतुल मुकद्दस पहुंच जाया करते थे वही ईसाइयों को जब इनके हाथों में चरचराहट होती थी अगर ये समझते कि अगर ताकत ज्यादा आ गई है तो इनका इसको किस पे आजमाना चाहिए ताकत को उनका चलो अपने आम करो मुसलमान
تو مقام جاتے ہیں بیت المقدس میں کروسی بار جنگ صلیب و ہلال 300 سال تک لڑی گئی اور اب اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آرام سے ہیں
पीली हड्डी मसाती है, जब दूध पिलाया लेकिन दूसरी छाती से निकलना चाहो तो हुजूर ने दूध नहीं पिया। ये बचपन का ये वाकया ये भी हदीस में मौजूद है। किसी पर जुल्म व ज़ियादती को किसी के हक को मारने के लिए नहीं चलते थे। साथियों के साथ अगर जंगल की तरफ निकल जाते थे तो धूप निकलती होती और किसी फरमाते कि सब पर धूप होती थी, जब मुस्तफा हुजूर कुरबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो आप पर अबद साया कर देगा। सुभान अल्लाह, अबद साया कर देगा, हुजूर पर धूप नहीं आती। और हुजूर का बचपन किताबों में महफूज, जवानी हुजूर की किताबों में महफूज। आज का नौजवान औरतों को झांकता है, औरतों को ताकता है। मक्का मुअज़्ज़मा में मदीने मुनव्वर की जो आग आपको हॉलैंड में बदले और बदरंग पे नजर आती है बगैर स्कर्ट के, मलीमत है स्कर्ट पहनी हुई और टांगे रंगी है। मक्का मुअज़्ज़मा में, मक्का मुअज़्ज़मा में अय्याम जाहिलियत अरबों का अरब लोग तवाफ करते थे, उनकी औरतें तो सारे कपड़े उतार कर नंगे होकर तवाफ करती थी। बिल्कुल नौजवान देखते थे, मजाक उड़ाते थे, उनके जिस्मों को तकते थे और ताकते थे और फिर बाजियां करते थे। उसके बाद रियाशी ऐसे शहर मुबारक में, ऐसे शहर मुबारक में मुस्तफा से मुस्तफा रहते थे। तो किसी ने पूछा मक्के के अबू सुफियान से, ऐसा रोम ने पूछा, रोम बादशाह ने पूछा कि अबू सुफियान दुल्हन रसूलुल्लाह को तो जवानी के जमाने में देखा, ऐसा देखा कैसा देखा? वो कहा ऐसा देखा कि बड़ी से बड़ी हसीन औरतें उस शहर के अंदर नंगी गुजर जाती थी और मुस्तफा नजर जुदाई गुजर जाए। पाकीज़ा जवानी थी तुम्हें या बाबू बब्बू मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह की मुकम्मल जिंदगी कितनी मुकम्मल है कि ईसाइयों ने अपनी नबी की मुकम्मल जिंदगी नहीं लिखी। अगर ईसा 33 बरस की उम्र थी तो आसमान पर उड़ा नहीं, 33 बरस की उम्र जिंदगी ना मुकम्मल, बीवी नहीं बच्चे नहीं उनके साथ सुलूक नहीं, ना मुकम्मल उठा दिए। अब उन पर जो किताबें आ रही हैं 12 बरस पहले गायब हो गए, बाकी थोड़े बहुत बचे वो भी कुछ मिल गए। पहाड़ी का राज मशहूर है, सेवन ऑफ माउंटेन, माउंटेन का जो सेवन है पहाड़ी का राज वो मशहूर है, जी के अंदर वो लिखा हुआ है। उसके अलावा कुछ नहीं है और वो साफ सी नहीं, 33 बरस के बाद उठा लिए। चंद वाकयात हैं, चार या पांच किताबें हजरत ईसा की जिंदगी पर आपको मिल जाएंगी और बाकी मैदान खाली है। और अब आइए मेरे आका हुजूर को मुसलमानों के पास रेडी सवाल नहीं, कलम नहीं, किताबें नहीं, ग्रेस नहीं, ग्रेस उनके पास है, वो उनके पास है, लेकिन हुजूर को मुसलमानों की सीरत इतनी मुकम्मल है। हदीस को रहने दीजिए, कुरान का को रहने दीजिए, हदीस हुजूर को मुसलमानों की मुकम्मल जिंदगी इतनी मुकम्मल है कि ईसाइयों ने, यहूदियों ने, हिंदुओं ने, मुशरिकों ने सेकुलर जहन रखने अपने रसूलुल्लाह की पाकीज़ा जिंदगी पर 1500 से ज्यादा की खबरें हैं। अल्लाह अकबर, जुबानों में फ्रांसीसी में, डच में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, रशियन में, दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में 1500 से ज्यादा किताबें रसूलुल्लाह की मुकद्दस सीरत पर हैं और हजरत ईसा की सीरत पर 1500 से ज्यादा नहीं है। अल्लाह 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 चाहता है
आसमान के महबूब को ना कर अल्लाह आपके शक्ल नबी का झंडा ऊंचा रहेगा, तकबीर का नारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala